स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं टोटल न्यूज, आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला। हरियाणा में किसान आंदोलन के चलते 13 तारीख से इंटरनेट सेवा को बंद किया गया था। आम लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इस दौरान एक बार फिर हरियाणा के सभी 7 जिलों में दोबारा से इंटरनेट सेवा को बहाल कर दिया गया है। खबर रिपोर्ट के जरिए देखिए। तेरह फरवरी से एक बार फिर से किसान आंदोलन पार्ट 2 की शुरुआत हुई। हरियाणा सरकार की तरफ से सुरक्षा के मद्देनजर हरियाणा के 7 जिलों में इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया, जिसके चलते सभी वर्ग के लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। एक तरफ जहां लोगों के व्यापार पर असर पड़ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ पढ़ने वाले छात्रों की पढ़ाई पर भी इसका काफी असर पड़ रहा था, क्योंकि आजकल सभी पढ़ाई ऑनलाइन होती है और बच्चों के एग्जाम्स भी नजदीक आ गए हैं। आज एक बार फिर से हरियाणा के सभी 7 जिलों में दोबारा से इंटरनेट सेवा को बहाल कर दिया गया है। इंटरनेट सेवा दोबारा से शुरू होने से लोगों में काफी खुशी देखी जा सकती है। बता दें कि इंटरनेट सेवा बंद होने से लगभग सभी काम प्रभावित हो रहे थे, क्योंकि ओटीपी भी नहीं आ रहा था, ऑफिस में भी काम प्रभावित हो रहा था। इंटरनेट सेवा शुरू होने से सभी काम दोबारा से एक बार फिर से सुचारू हो गए हैं। अच्छी बात है, इंटरनेट पिछले लगभग 12-13 दिनों से बंद था, तो जनरली परेशानी तो आ रही थी उसको काम को लेकर। लेकिन रेलवे के जैसे हमारे ऑफिस वगैरह में ब्रॉडबैंड के थ्रू वाईफाई चल रहा था, तो हमारे रोजाना के ऑफिस वर्क्स में कोई दिक्कत नहीं आई। हाँ, फील्ड से कई बार जो आज के टीम में इंफॉर्मेशन आने में जो है व्हाट्सएप के थ्रू या जो इंटरनेट के थ्रू, उसमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आई, तो आज से सुचारू हो गया है, बहुत अच्छी बात है। सभी लोगों का कहना है कि किसान आंदोलन के चलते इंटरनेट सेवा को बंद किया गया था, जिसके चलते बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा। उन्होंने सरकार से अपील करते हुए कहा कि आंदोलन तो चलते रहते हैं, लेकिन सरकार को चाहिए कि इंटरनेट सेवा को बंद नहीं किया जाए। देखिए, इंटरनेट जो बंद था किसान आंदोलन की वजह से बंद था। इंटरनेट बंद होने की वजह से लोगों को बहुत असुविधा हो रही थी, बच्चों को पढ़ाई में असुविधा हो रही थी। इंटरनेट आज रात 12 बजे के बाद रात को खुल गया था। बच्चों में बड़ा उत्साह है, जो पढ़ाई की तैयारी कर रहे हैं, एग्ज़ाम सिर पे आए खड़े हैं, एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं, इस चीज़ की हमें बड़ी खुशी है। और हम आशा करेंगे, सरकार से भी निवेदन करेंगे कि आइंदा आंदोलन चलते रहेंगे, चलते रहे हैं, लेकिन इंटरनेट सेवा बंद ना की जाए, हम सरकार से अनुरोध करेंगे। बहरहाल एक बार फिर से हरियाणा के सभी 7 जिलों में दोबारा से इंटरनेट सेवा बहाल हो गई है, जिसके बाद लोगों में खुशी का माहौल है। टोटल टीवी के लिए कृष्ण बाली की रिपोर्ट।